जिले के झिरनिया जनपद के ग्राम मनीकेरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ के जिरात कालिया में कक्षा 4 के छात्र की गला घोट कर हत्या करने के बाद शव को खेत के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को जिरात फलिया के रेवला गंजी बारेला के लड़के का विवाह था। अजय पिता शांतिलाल अलावे 8 वर्ष उसकी बड़ी बहन पूजा के साथ इसमें शामिल होने पहुंचा। देर तक अन्य लोगों के साथ दोनों नाचते रहे। पूजा के अनुसार रात 11 बजे के बाद अजय दिखाई नहीं दिया। उसे लगा वह घर चला गया होगा। सुबह घर पहुंची तो अजय नहीं मिला। परिवार को लगा नाच गाने में थक कर शादी वाले घर ही सो गया होगा। सुबह 8 बजे तक परिवार ने विवाह वाले घर में तलाशा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। आसपास तलाश शुरू की तो पास ही खेत की मेड़ की बगल में वो उल्टा पड़ा दिखाई दिया। माँ ककली बाई ने इसे देखा और अन्य सदस्यों को बुलाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार से सभी बिंदुओं पर पूछताछ के साथ अन्य इनपुट इकट्ठा किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। जल्द आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 10:30 बजे तक आखिरी बार घर पे आया था। मैं और मेरी बीबी और मेरा 5 साल का लड़का घर पे थे। तो ये आखिरी बार 10:30 बजे घर आया, उसके बाद घर ही नहीं आया। तो हमने सोचा बच्चों के साथ में खेलता होगा। दुकानें भी आई थी तो कुछ उधर ही बच्चों के साथ में कुछ लेके। तो ये सुबह तक नहीं आया। फिर सुबह मेरी बड़ी लड़की अकेली घर पे आई तो उसको पूछा अपना भैया कहाँ है, तो बोले दूसरे बच्चों के साथ में। फिर सुबह वो बच्चों के घर जाके पूछा तो बोले हम रात को 11 बजे हमारे घर आ गए थे। अच्छा, वो वहीं पे था। फिर हम मेरी बच्ची को और डबल वो शादी वाले घर देखने को के लिए भेजा। अच्छा। तो किधर नहीं मिला। फिर सुबह देखा होगा आपने। सुबह फिर मेरी काकी और मेरी घरवाली और मैं सब जितने भी 10-12 घर है सब घर ढूंढा हमने, किधर नहीं मिला। अच्छा। 9 बजे तक ऐसे झाड़ियों में किधर भी सब घर पे ऐसा ढूंढा तो किधर ही नहीं मिला। फिर सरपंच को सूचना दी। अच्छा। मेरी काकी ने बोला कि सरपंच को बताओ किधर नहीं मिल रहा। तो सरपंच के पास फोन लगाया। सरपंच बोले कि अब नहीं मिल रहा तो थोड़ी देर और ढूंढो, जब तक मैं आता हूँ बाहर हूँ। अच्छा। फिर पुलिस को सूचना करेंगे। अच्छा। फिर सरपंच से बात हुई रही थी कि मेरी घरवाली और मेरी काकी ऐसा दूसरे झाड़ियों में देख रहे थे तो वहाँ नाले में मरा हुआ पड़ा मिला। अच्छा। मैंने रोने की आवाज़ सुनी। अच्छा। और वहाँ दौड़ के गया तो मेरा लड़का मरा हुआ पड़ा था। अच्छा। तो आपको किसी पे शंका या कोई सवाल कुछ उठ रहा हो मन में तो वो बता दीजिए। नहीं सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई किसी से झगड़ा भी नहीं था। अच्छा। पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी हाँ सर। उससे संतुष्ट हो आप? जी सर, पुलिस अच्छा कार्रवाई। अभी क्या पोस्टमार्टम के लिए लाया? जी सर, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। ठीक ठीक है। तो सर मेरा लड़का 3री पढ़ता था और अच्छा, बहुत अच्छा लड़का था सर, मेरे को न्याय चाहिए। ठीक है, आपके साथ न्याय होगा, जो भी उचित होगा हम आगे और मांग रखेंगे। जी सर, ठीक है ना। झिरनिया थाना क्षेत्र में 8 साल के बच्चे का मर्डर सर हुआ है और आप भी मौके पर पहुंचे थे, किस प्रकार सर ये मामला? दिनांक 21/22 को रात्रि में एक बालक मानिकेरा में गुम हुआ था, जिसकी डेड बॉडी 22 तारीख को एक नाले में मिली, जिसमें स्ट्रगुलेशन के चिन्ह पाए गए। प्रथम दृष्टया वो हत्या का मामला है। थाना चैनपुर में हत्या का प्रकरण कर विवेचना की जा रही है। इस विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें चैनपुर थाना प्रभारी, भीगनगांव थाना प्रभारी और थाना प्रभारी विष्ठान को लगाया गया है और बहुत जल्दी इस निशंस हत्या को ट्रेस कर लिया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? हत्या है, प्रथम दृष्टया हत्या है और हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। बताया जा रहा सर शादी में गया था अपनी बहन के साथ में, ऐसा भी बताया जा रहा था। शादी में गया था और शादी के बाद ही वो गायब हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।